साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबली। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा आज पूरी हो गई। 5 दिन 10 शिफ्ट में पूरी कराई गई इस भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना कड़ा सुरक्षा का इंतजाम किया कि परिंदा भी पर न मार सके। इस दौरान 400 से ज्यादा संदिग्धों को दबोचा गया। विपक्ष की तरफ से पेपर लीक को लेकर उठाए गए सवालों और आरोपों के बीच इस सफल मानी जा रही भर्ती परीक्षा से विभाग का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना तय है। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क करने का अल्टीमेटम दिया था। तो अब सवाल यह कि क्या यूपी सरकार को पेपर लीक का तोड़ मिल गया है और पारदर्शी भर्ती के दावों में कितना दम है? पुलिस एक्शन से साफ है कि परीक्षा माफिया पर लगाम कसी गई है, तो कैसे काबू में आया पेपर लीक माफिया? आज इन्हें सवालों के इर्द गिर्द महाबहस, पहले ये रिपोर्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा पास हुआ योगी मॉडल। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी को मिला पेपर लीक रोकने का तोड़। बढ़िया सिक्योरिटी है सर, पेपर बहुत बढ़िया हो रहा है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, टीचर भी बहुत बढ़िया है, सब पेपर वगैरह जैसे होते हैं वैसे हो रहा। कैसे काबू में आया पेपर लीक माफिया? देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सक्सेसफुल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। पारदर्शी भर्ती के दावे में कितना दम? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, यूपी को मिला पेपर लीक रोकने का तोड़। जिस तरह पूर्व में कई पेपर लीक हुए, इस पर बड़ा हंगामा हुआ, नौजवान नाराज हुए, विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन अब जिस तरीके से ये भर्ती परीक्षा पूरी हुई है और पूरी दुनिया की बड़ी भर्ती परीक्षा में 60,000 पदों के लिए इस परीक्षा को करवाया गया है, कैसे काबू में आया पेपर लीक माफिया? पूछेंगे सवाल, क्या इसका कोई फॉर्मूला मिल गया है कि अब भविष्य में पेपर लीक ना हो? पारदर्शी भर्ती के दावे में कितना दम, इसकी भी पड़ताल करेंगे और पूछेंगे सभी पैनलिस्ट से सवाल। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हैं, अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर केबी त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओपी सिंह जी एक्स डीजीपी हमारे बीच में हैं, और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार वीरेन चौधरी जी भी जुड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल अनुराग जी आपसे यही, 5 दिन का भर्ती परीक्षा का जो शेड्यूल था वो पूरा हुआ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, जहां से जो सॉल्वर पकड़ने थे गड़बड़ी वाले थे उन पर फौरन कार्रवाई हुई, तो मतलब ये भर्ती परीक्षा कुल मिलाकर खत्म हुई और कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं से कोई पेपर लीक की खबर नहीं आई, तो क्या अब यूपी सरकार को पेपर लीक रोकने का फॉर्मूला मिल गया है? लगातार सरकार 2017 से है, अब 2024 का आ गई, मतलब कितने साल हो गए, 7 साल सरकार को हो गए। 7 साल सरकार में भर्ती पे ये कह रही है कि मैंने भर्ती की है, इस बार कहीं कोई चोरी नहीं हुई है, इसके मतलब आप भर्ती करवा ही नहीं पा रहे थे अब तक। 7 साल से भर्तियां हो नहीं रही थी, हो रही थी तो पर्चा लीक हो रहे थे, माने 3 चीज हो रही थी, एग्जाम से पहले डेट नहीं आती थी, डेट आ जाती थी तो पर्चा आउट हो जाता था, पर्चा अगर नहीं भी आउट होता था एग्जाम हो जाता तो रिजल्ट अटक जाता था, अगर रिजल्ट आ भी जाता था तो आपकी जिस तरह की धांधली दिखती थी वो कोर्ट में जाके अटक जाती थी। तो लगातार तो भर्ती तो अटकती रही है ना, 69,000 भर्ती तो अभी तक आप देखिए, जो आरक्षण ST ST OBC का जो हक मारा गया है 69,000 शिक्षक भर्तियों में, जो घोटाला है वो तो अभी भी हाई कोर्ट ने बोला है अभी भी उसकी पूरी भर्ती होनी है, वो तो अभी एक चुकी है, रिको गार्डन चले जाएगी तो धरने तो आपको मिलता ही है, किस तरह की अभी भी बैठी अनुदेशिका बैठी हुई है उनको भी अपना अधिकार चाहिए। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती कब होगी, यूथ को कब रोजगार मिलेगा, कब रोजगार मिलेगा यूथ को? भाई यूथ में भर्तियां तो कई है ना, शिक्षक भर्ती है, फिर इसमें डॉक्टर्स की भर्तियां हैं, पुलिस की भर्तियां हैं,
सचिवालय में भर्ती है, मेरी बात तो सुन लीजिए, अभी कहाँ दस सेकंड पूरा जा रहे हैं, अरे नहीं हीरो हीरो पास मत जाइए, वो कहाँ हीरो है, वो सरकार में है, जवाब तो वही देंगे ना अनुराग जी। सुनिए वो हीरो कहाँ है, मोनोलॉग थोड़ी चलेगा आपका। अरे सुन लीजिए, वो हीरो नहीं है, सरकार ने जनता ने उनको जीरो कर दिया है, अब वो 33 सीट पे हैं, किसी जमाने में हीरो हुआ करते थे, अब तो विलन के रूप में चल रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी वो विलन के रूप में चल रहे हैं, अब वो जनता की समस्या का समाधान नहीं करते, इसलिए जनता ने उनको 33 बटका दिया, यही रहा हीरो वाजपेयी जी आपका जवाब, जनता की समस्या की बात नहीं, देखिए अब इधर उधर की बातें करेंगे, देखिएगा जी ये महंगाई दो बातें कहना चाहता हूँ, पहली तो ये देखिए बहुत समय से बहुत जगह प्रदेश भर में हिंदुस्तान की कई परीक्षाओं में इस तरह की शिकायतें आती रही, और मुझे लगता है कि ये पहली बार परीक्षा है जो पारदर्शी है, ईमानदारी से, नकल विहीन है, और माफिया इसमें सफल नहीं होने पाया, ये जो सफल परीक्षा मुझे लगता है अनुराग जी को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, भ्रम फैलाने की तमाम कोशिशें उनकी नाकाम हो गई है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही। दूसरी बात, एक जो सख्त का तरीका योगी आदित्यनाथ जी ने अपनाया कि जो इसमें नकल माफिया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा या जो परीक्षा लीक करने में, उसके लिए कठोर कानून है, आजीवन कारावास, 1 करोड़ का दंड, तमाम ऐसे प्राविधान रखे, और जो डिपार्टमेंट ने एक सख्ती बरती, सर्विलेंस रखी, जांच की, देखिए सैकड़ों लोग पकड़े भी गए, तो मुझे लगता है कि जो परीक्षा के बीच में एक माहौल था और बहुत सी परीक्षाओं में इस तरह की चीजें आई, और बहुत सारे दल जैसे अभी अनुराग जी परेशान थे बहुत कि ये परीक्षा इतनी अच्छी सफल कैसे हो गई, लोगों को नौकरियां कैसे मिल गई, हमारे हाथ से ये मुद्दा कैसे निकल गया, और जो समय में होता आया वो नहीं होने पाया, भाई भतीजा बात, उस सब चीजों से सपा खिसियाई हुई है, और मुझे लगता है कि हमें साधुवाद देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को, हमें प्रशासन को अप्रिशिएशन करना चाहिए कि उन्होंने एक सफल परीक्षा पास कराई, और 5 डॉक्टर केवी त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में, डॉक्टर केवी त्रिपाठी सफल परीक्षा हुई है और विश्व के बड़े इम्तिहानों में से एक है, जहाँ 60,000 से भी ऊपर भर्ती के लिए लाखों में आवेदन आए थे। जी आस्था जी, अभी जैसा कि मैं सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने सफल परीक्षा कराई, अगर जो इस सिक्के का दूसरा पहलू देखो तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभी 7 साल में आज तक योगी सरकार कोई भी सफल परीक्षा नहीं करा पाई। दूसरी चीज अगर जो ये देखा जाए कि आज कोई पत्र लीक नहीं हुआ, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ और बहुत आसानी से अच्छे से हो गई, तो क्या अभी तक जो परीक्षा में पेपर लीक हो रहा था वो सरकार की इच्छा से हो रहा था, या सरकार की उसमें सहमति थी, या सरकार में बैठे लोग उसमें लिप्त थे? अगर जो आपने चाहा कि अब हमें नहीं कोई गलती करनी है और कोई गलती ना पकड़ में आए, तो आपने बड़ी अच्छी परीक्षा करा ली, तो आज तक क्यों नहीं करा पा रहे थे? आपकी सरकार में कई पेपर लीक हुए हैं, कई परीक्षाएं दोबारा होने वाली हैं, आरओ की परीक्षा की भी डेट अभी आगे लगी हुई है, और कितने दिनों में आपने पुलिस परीक्षा कितनी करा ली, पुलिस भर्ती कर ली, 7 साल की पुलिस भर्ती कितनी है, शिक्षक भर्ती कितनी है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का काम है। अगर जो पेपर लीक हो गया तो हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी कि हम ये सजा दे देंगे, ऐसा कर देंगे, परीक्षा सफल करा ली तो इसमें कौन सी बाबाई है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुन के बिठाया है, इसके लिए किस बात की आप तारीफ लेना चाहते हैं? लेकिन कितनी भर्तियां आपने कराई ये तो बताइए ना। ठीक है, हमारे साथ ओपी सिंह जी भी हैं, एक्स डीजीपी। सर आपसे समझना चाहेंगे कि विश्व के बड़े इम्तिहानों में से एक है जिसको इतने सारे इतनी बड़े लार्ज स्केल पर 5 दिनों तक अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता है, 60,000 से ज्यादा ऊपर पद हैं जिनको भरा जाएगा, तो बीते दिनों इसे रद्द करना पड़ा, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा के बीच में और एक एक चीज को चेक करके इस एग्जाम को कराया गया, किसी गड़बड़े की कोई खबर नहीं। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमेशा परीक्षाओं में इस तरह की धांधली रही है। इनफैक्ट मैं सभी वक्ताओं को बता दूं कि 2018 और 2019 में पुलिस की भर्ती हुई थी वो बहुत ही सफलतम प्रयोग था, और केवल मात्र पिछली बार जो है वो पेपर लीक हुआ वो पुलिस रिक्रूटमेंट में, और उसके अलावा कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ है जहां तक पुलिस की रिक्रूटमेंट का संबंध है, जहां की पुलिस के रिक्रूटमेंट की परीक्षा की संबंध है उसका संबंध है। और इस बार का सचमुच में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया जिसमें 60,000 से ज्यादा की भर्तियां की जा रही थी, 5 दिनों में इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराया गया, पूरी इंटीग्रिटी और गोपनीयता के साथ इस एग्जाम के प्रोसेस को संपादित किया गया, चीटिंग और परीक्षा में जो माल प्रैक्टिसेस होने की संभावना थी उसको एकदम खत्म कर दिया गया, और भारी संख्या में जो अभ्यर्थी को मैनेज करना था और उनके लॉ एंड ऑर्डर और ऑर्डर को मेंटेन करना था उसमें भी हम कामयाब रहे।
और सबसे बड़ी चीज है कि जो टेक्निकल इश्यूज थे या जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लीचेस होते हैं नॉर्मली जो हम टीचर्स के एग्जाम में देखते हैं, अन्य एग्जामों में देखते हैं, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संबोधित किया। पेपर लीक्स के रिस्क को हम लोगों ने जीरो की तरफ खत्म कर दिया, अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम लोगों ने रोका और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखा। ये सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम की जो सुचिता और जो फेयरनेस था उसको हम लोगों ने बनाए रखा। और हम लोगों ने इस प्रकार की भी प्लानिंग की कि लास्ट मिनट के अगर कोई चेंजेस होते भी हैं तो हमारा इमरजेंसी प्लान रहे, जिससे कि हम अनफोर्सीन सिचुएशंस को देख सकें और उसके बारे में अपना प्लान बना सकें। और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी कि पूरे कैंडिडेट्स की सुरक्षा और उसके वेलबींग को भी हमने बनाए रखा। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग की तरफ, बहुत ही रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स को लेते हुए और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ओर ध्यान देते हुए। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। अनुराग जी, जिस तरीके से ये भर्ती परीक्षा पूरी हुई है, तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान और एक उसका कह लीजिए एक तोड़ मिल गया है, और दूसरा इससे नौजवानों में विश्वसनीयता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई टाइम से एग्जाम हो रहा है, टाइम से पूरा हो रहा है। आस्था जी, एक चीज तो मान के चलिए ना, 60,000 करीब भर्तियां हैं और कितने अभ्यर्थी आए हैं, 48,00,000। आप ही बता रही है ना, सोचिए 60,000 के लिए 48,00,000 बच्चे एग्जाम में एग्जाम देने के लिए अपियर हुए, और उसमें करीब करीब अगर तीनों दिन की पांचों दिन का देख लिया जाए तो कभी 21% एबसेंट हुए, कभी 22% है, कभी 11% है, तो कभी 30% है। तो सवाल उठता है कि अगर इतने बच्चे, इतने परसेंट बच्चे जो अब्सेंट हो रहे हैं, या 60,000 भर्ती के लिए 48,00,000 अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो कैसी आप जॉब दे रहे हैं भाई? फिर वो 48,00,000 में मान लो अगर आप फिर वो 47 बचेंगे या 47,40,000 या 30,000 बचेंगे, 35,000 समझ लीजिए, वो कहां जाएंगे? 47,00,000 अभ्यर्थी कहां जाएंगे? उनको कौन रोजगार देगा? वो भी तो रोजगार पाने का हकदार है कि नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि 47,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के कहां भटकेंगे? मुझे लगता है अनुराग जी विषय का विषय अंतर कर रहे, परीक्षा की शुद्धता पारदर्शिता पे बात हुई, लोगों ने परीक्षा दी और मुझे लगता है देश की हर परीक्षा में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं विद्यार्थी, और परीक्षा पास करने की संख्या जो होती है वो एक निश्चित होती है, और कारोबार में निश्चित लोगों को नौकरी मिलती है और वो आगे अन्य परीक्षाओं में अपने भाग्य को आजमाते हैं, अपनी पढ़ाई को आजमाते, अपने निवेश को आजमाते, अपने धैर्य को आजमाते। मुझे ये कहना 48,00,000 ने दी, 28,00,000 ने दी, 60,000 चयनित होंगे, ये चयनित तो होने दीजिए अनुराग जी, इन पर पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी जातिवाद के, बिना नकल माफिया के इतने लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, इससे कष्ट क्यों हो रहा है अनुराग जी आपको? 47,00,000 बच्चे, करीब 47,00,000, 25,000 बच्चे, ये कहां जाएंगे बताइए? अरे भाई ये संख्या रहेगी, जो भी परीक्षा होगी हर परीक्षा में अपियर करेंगे, अपनी अपनी परीक्षा में जहां जहां मेरिट में आते जाएंगे, पास होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप इनको एक ही परीक्षा में क्यों रोक देना चाहते हैं? बस में झूल के गए थे, स्टेशन पे लेटे थे, किस तरह से उन्होंने ये तस्वीरें तो अनुराग जी हर भर्ती परीक्षा में हर साल ऐसी ही मिलती आई, आप बताइए ना, तो चाहे वो 2024 हो, चाहे वो 2014 हो या 2004 हो, चाहे इनके कार्यकाल में परीक्षा हुई हो, तब भी ऐसे ही कयास देखने को मिलता था। जो स्थितियां बनी, जो सरकार ने मैनेजमेंट किया, इतनी बेहतरीन व्यवस्था करी, कभी अनुराग जी की सरकार में रहा भाई भतीजावाद के तहत नौकरी बाकी जो हल्ला गुल्ला हुआ, जो रेलवे और बसे नुकसान हुआ, वो तो इनकी सरकार ने बना हल्ला बोल कर तो बंद हो गई। कि ये बताइए जो 47,00,000 बच्चे बच गए हैं उनका क्या है? आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, बहस यही अटक नहीं सकती ना। हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर केबी त्रिपाठी। आप हार गए, आप अपने मिशन में फेल हो गए, आपने लाख अफवाह उड़ाई, फिर भी परीक्षा सफल हो गई। 43 सीटें हम गठबंधन में जीते, आप 33 आए, हारे तो आप हैं। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ गए हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजों से आगे बढ़ गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी हुई है और पूरी ट्रांसपेरेंसी बगैर किसी गड़बड़ी के पूरी हुई है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, अब यहाँ यूपी सरकार ने वादा यह भी किया है कि आने वाले साल में, 2 सालों में 2,00,000 नौकरियां और दी जाएंगी। ये एक मैसिव भर्ती परीक्षा थी 60,000 पोस्ट के लिए, वो भी ट्रांसपेरेंसी से पूरी हुई है, और उसमें यह भी दावा है कि बिना किसी भाई भतीजावाद के कॉम्पिटेंस पे मेरिट पर नौकरी मिलेगी। एक सेकंड अनुराग जी, के बी त्रिपाठी, 5 सेकंड, 5 सेकंड। अगर आपकी सरकार, भारत का पार्टी, जो सरकार है वो झूठ पर चलती है,
मैं आपको बताऊं, 5 साल का शासन पूरा होने के बाद जब 2022 में चुनाव हो रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी अलग आंकड़ा दे रहे थे, हमने कितनी नौकरियां दी, अलग अलग मंत्री अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे। सिर्फ आंकड़े देने का काम ये सरकार करती है और हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। उत्तर प्रदेश में आज बच्चों का पढ़ाई से मन रूठ चुका है। आप हालत देखें, किसी भी विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय के एडमिशन कर रहे स्कूलों से अपने, हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए बेसिक एजुकेशन में 24 लाख बच्चों की कमी हुई है इस साल, ये सरकार का आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन हो रहे हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने 5वीं बार एडमिशन डेट बढ़ाई है और हर कोर्स में सीटें खाली हैं। कैंपस में बीटेक में बीए में एमए में सीटें खाली हैं, एडमिशन नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी की हैं, 150-200 साल पुराने जो कॉलेज हैं उनमें पहली बार ऐसा है कि सीटें खाली हैं। इन सब चीजों को हमें देखना होगा। सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती रहे और बताती रहे कि हम इतने रोजगार दे चुके हैं और इतने और दे देंगे, लेकिन हकीकत जमीन पर क्या दिखाई देती है जब युवाओं के बीच आप जाते हैं। मैं युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं, मेरा काम ही यही है कि उनको गाइड करता हूं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी अपनी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा नहीं करा पाया है और संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा होने जा रही है, इसके फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम चाहे सरकार की सुनते रहें, लेकिन हकीकत इनके बयान, मुझे लगता है कि जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई से जी उग गया, मुझे लगता है सरासर गलत है। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत स्कोप है और मुझे लगता है कोई यूनिवर्सिटी और कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें मेरिट के तहत एडमिशन ना हो रहा हो, जहां सीटें 120 बच्चे 4000 है, तमाम ऐसे कॉलेज है। हो सकता है कोई उदाहरण त्रिपाठी जी को कहीं मिल गया हो, पर उसको एक समग्र उसमें देखना बंद करें। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली सुधरी है, नकल माफ किया गया है, योगी आदित्यनाथ के एक सख्त प्रशासक की छवि है, जो एक पूरा शिक्षा माफिया और कोचिंग के पूरे जो माफिया था उसको ठेस लगी है और मुझे लगता है उसी वजह से तमाम लोगों के पेट में दर्द उठ रहा है। अनुराग जी, देखिए पेट में दर्द इसलिए उठ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, दिक्कत हो रही है आपके समझने में। हमने कहा 60,000, चलो 48 लाख अभ्यर्थी आए, तो गोली देनी पड़ेगी, सुनिए ना, एक बार सुनिए, के लिए तो अरे सुन लीजिए आप बीच मत ठोकिए, सुन लीजिए, हमने कहा तो उठता ही रहेगा भारतीय, अरे सुन लीजिए, 48 लाख अभ्यर्थी, अरे आपके दर्द उठता ही रहेगा ना, आज आप नौकरी तरह फेल हो गए, आपने लाख पाव डाले कराई है, भाई तीन चार से 500 लोग पकड़ लिए गए, तो आपके पेट में दर्द होगा, मरोड़ भी होगा और गोली भी भारतीय जनता पार्टी के पास है आपको देगी। मैं पोल खोल रहा हूँ तो परेशान हो रहे हैं, मैंने कहा कि आपने 60,000 को नौकरी दे दी, मान लिया मैंने, पोल आपके पास है, अनुराग जी आप भी ऐसे ही सारे पैरल्स के पीछे बोले, मैं आपसे भी कहती रहती हूँ शांत हो जाइए, जब आप वाजपेयी जी बोलने दीजिए उनको। देखिए 48 अभ्यर्थी आए, 60,000 आपने ले लिए, फिर आपने 20 आपने कहा था जी 2 लाख और वैकेंसी निकालने वाले, चलिए 2 लाख भी मैंने मान लिए, फिर भी 45 लाख बच्चे क्या होगा उनके बारे में सोचा इन्होंने कभी? सिर्फ एक एग्जाम देने के लिए 45 लाख उत्तर प्रदेश के बच्चे बेरोजगार, आपके आंकड़ों के हिसाब से अभी तो 2 लाख की आई नहीं है नौकरी, अगर जब आएगी उनको देने के बाद भी कह रहा हूं। वैसे इस पुलिस भर्ती परीक्षा में, पुलिस भर्ती परीक्षा में अनुराग जी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक की मणिपुर से भी बच्चों ने अप्लाई किया। अरे हम कहते हैं उनसे भरा उत्तर प्रदेश के, चलिए हम हाफ कर दे रहे हैं, हवा में आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर लेंगे, आपका अपना फिर भी मान लो आप नौकरी, तो फिर भी 18 केंद्रीय कर्मचारी कितने लाख, सारा झूठ मान ले, अनुराग जी देश भर में केंद्रीय कर्मचारी कितने लाख है ना, 23 लाख, ये 48 लाख को एडजस्ट कर लेंगे, 23 लाख मान लिया आपका, तो 23 लाख में आपने कितनों को रोजगार दे दिया, 23 लाख सरकारी नौकरियों को कहीं तो स्थान मिलेगा, रोजगार हमारे उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार है कि नहीं है, मान लिया 23 लाख में आपने 3 लाख को दे दिया, आपकी बात 5 लाख को दे दिया, अरे चलिए 10 लाख को दे दिया, मान लिया आपकी बात झूठी, लेकिन फिर भी तो देश के अंदर में यहाँ 13 लाख बच्चे बेरोजगार रह गए, कौन है जिम्मेदार 13 लाख बच्चों का, 13 लाख बच्चे कम होते हैं क्या? आप मुंह उठा के देख रहे हो चश्मा लगा के, आप देखने से क्या फायदा है, जब आपकी बात मान ली तब भी आपका जवाब नहीं होगा, अरे हम कहते हैं आपने 15 लाख भी रोजगार दे दिया, बहुत लाख एमबीए किया कोई रोजगार नहीं करते, जवाब सुनिए, तो बेरोजगार की श्रेणी में माने जाएंगे क्या?
सवाल की बात करो, बच्चे बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगार क्या एमबीए किया आपने, कोई रोजगार आप नहीं करते तो क्या बेरोजगार की श्रेणी में माने जाएंगे आप? 48 लाख में अपने को दे रहे हैं क्या? और इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़े हैं और इन्हीं मुद्दों पे जनता ने आपको हराया है, तो आप समझ लीजिए कि महंगाई, अरे भाई यही बहन पे आप चुनाव लड़ते हो, तो आप समस्या है ये सफल परीक्षा हो गई जो आपने अफवाह फैलाने की कोशिश की वो पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए आपको परेशानी हो रही। आपको आज बधाई देनी चाहिए सरकार को, सरकारी सिस्टम को, पुलिस प्रशासन को, और जो बच्चों ने शांति से परीक्षा दी उसको, उस सिस्टम को आपको साधुवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 60,000 बेरोजगार युवा रोजगार पाने जा रहे हैं। आपसे पूछेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया तो नहीं बता पाओगे, आपसे पूछेंगे कितना आपने वृद्धा पेंशन, ठीक है आपसे वाद विवाद में मत डॉक्टर के बी त्रिपाठी हमारे बीच में है, डॉक्टर के बी त्रिपाठी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर के बी त्रिपाठी, ठीक है अनुराग जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए के बी त्रिपाठी जी, शांत हो जाइए अनुराग जी, कांग्रेस को बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए, ये शांत नहीं होंगे, आप बोलेंगे अपने आप चुप हो जाएंगे, शांत रहिए अनुराग जी, शांत रहिए। सरकार को जिम्मेदारी है, सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी पर खरी उतर रही है या सिर्फ लफाजी भरे आंकड़े दे रही है कि सरकार पिछले 7 साल से युवा इतना निराश है इस प्रदेश में, और जैसा अभी तुरंत नकार दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई जानकारी नहीं, मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं कि 5-5 बार विश्वविद्यालय एडमिशन की डेट बढ़ा रहे हैं और उसके बाद सीटें खाली हैं। आप ये आंकड़े लेके पता कर लीजिए, सत्ता में बैठे हैं, सरकार की मलाई चाट रहे हैं। नहीं है ऐसा, जब त्रिपाठी जी गलत बयानबाजी ना करिए, ऐसा नहीं है, सीटें कम है, अभ्यर्थी ज्यादा है, कह रहा हूँ सुनिए, और ये हाल है, तभी ना ये तमाम प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट सिस्टम खड़ा हुआ है वहीं तो लोग जा रहे हैं, अगर सबको यूनिवर्सिटी में ही जगह मिल जाए तो प्राइवेट विद्यालयों की जरूरत क्या रह जाएगी, अगस्त खत्म होने के बाद डेट बढ़ा दी सितंबर तक एडमिशन की, आप कब तक एडमिशन लेते रहेंगे, कब सेमेस्टर का कितना टाइम होता है, 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम होना होता है, हकीकत में समय आस्था जी उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी बहुत निराश है, कोई भी परीक्षा समय पर नहीं हो रही। त्रिपाठी जी, तो आपका दावा यह है कि ये सिर्फ मौजूदा सरकार में हो रहा है, पूर्व की सरकारों में टाइम से भर्ती निकलती थी, ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी होती थी, सही उम्मीदवार को नौकरी मिला करती थी, और कभी कोई सेमेस्टर को आगे टाइम नहीं लिया गया, आवेदन की तिथि कभी नहीं बढ़ाई गई, आप ये दावा कर रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में सब ठीक था? मैं दावा नहीं कर रहा, सुनिए आस्था जी, मैंने मतलब आप ये कह रहे हैं कि बड़ी समस्या है जो पूर्व से व्याप्त है जिसका समाधान नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों की जो खामियां रही थी उन्हीं का तो फल भोग के आदि वर्तमान में जीना चाहता, आस्था जी आप पूर्व में जीना चाहते हैं, देखिए समस्या को समझना है और दूर करना है तो उसकी जड़ भी खोजनी होगी, आजकल की समस्या है या पूर्व से चली आ रही है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि नौजवान अगर परेशान है तो वो आजकल में परेशान हुआ है या पहले से तंग है, ये पता होना चाहिए कि नहीं, समस्या की जड़ तो खोजेंगे ना। आप चाहते हैं कि 2017 से पहले कंबल डाल दिया जाए काले रंग का, क्यों डाल दिया जाए, क्या हुआ उस पर काला कंबल डाल दिया जाए 2017 से पहले जो हुआ, क्यों नहीं बात होगी उस पर, सब पर बात होगी, और हीरो वाजपेयी जी भी जवाब देंगे कि क्या ऐसा है कि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट एनरोल नहीं करा रहे अपने आप को, या फिर सेमेस्टर शुरू होने की तारीख निकट आ रही है और भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जो भी मुझे लगता है त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं बार बार, हो सकता है किसी एक सेक्टर में कहीं बच्चे ना हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो सरकार चला रही है केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उसी में ऐसा नहीं, बिना टेस्ट दिए जगह ही नहीं मिल रही, 4,000 बच्चे 120 सीटें हैं, इसके दूसरी जगह जाते, मुझे लगता है इसमें त्रिपाठी जी को सुधारनी होगी या विरोध के नजरिए से विरोध करने बैठे तो बात अलग है। ठीक है, हमारे बीच में ओपी सिंह जी भी हैं एक्स डीजीपी, और मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त है, तो एक बार समझते हैं कि 60,000 पदों की भर्ती परीक्षा 5 दिन के अंतराल के बाद सही सलामत पूरी हुई है ओपी सिंह जी, तो अब इससे नौजवानों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आगे और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने हैं जिनकी वैल्यू बहुत है, जिनसे उम्मीदें बहुत है, जिनकी सालों साल तैयारी करते हैं नौजवान। बिल्कुल, नौजवानों में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं बता दूं कि इस सरकार ने 2017 से जितनी भर्तियां की हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो,
ये वक्ताओं का कहना मैं नहीं स्वीकार करता हूं कि पहले के जमाने में भर्तियों में धांधली नहीं होती थी, उनके पेपर्स लीक नहीं होते थे या इस तरह का मिस गवर्नेंस नहीं होता था। ये पहली बार नहीं हुआ, अगर थोड़ी बहुत भी हुई तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस परिपेक्ष में वर्तमान समय में इस बात की गारंटी है, भर्तियां काफी हुई, नौजवानों को काफी रोजगार दिया गया और पुलिस विभाग में भी हमने स्वयं देखा है, एस डीजीपी देखा है कि कितनी भर्तियां हुई हैं और कितने सिपाहियों को, एक बार 22,000 की भर्ती हुई थी जिसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने कराया, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कराया। तो ऐसी बात नहीं है कि भर्तियां नहीं हुई हैं और यही कारण है कि हम लोगों ने पुलिस विभाग की संख्या को बहुत बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिला है और ये 60,000 की जो भर्ती हो रही है इससे भी उनका मनोबल ऊंचा होगा और आने वाले समय में भी और भर्तियां होंगी। ठीक है, अनुराग जी देखिए, आपने कहा आस्था जी पूर्व में, तो पूर्व में क्या क्या हुआ था, हमने एक्सप्रेस वे बनाए थे पूर्व में, ये नहीं बना पाए, हमने स्टेडियम बनाए थे नहीं बना पाए, हमने 100 डायल बनाया था 112 कर दिया, हमने 1090 बनाया था महिला समस्या के लिए, हुआ समाजवादी की देने, मेट्रो समाजवादी की देने, समय खत्म हो गया है मेरे पास। कुल मिलाकर 5 दिन चलने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा सही तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो गई है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। 5 दिन 10 शिफ्ट में पूरी कराई गई इस भर्ती परीक्षा के लिए यूपी सरकार ने इतना कड़ा सुरक्षा इंतजाम किया था कि परिंदा भी पर ना मार सके। इस दौरान 400 से ज्यादा संदिग्धों को भी दबोचा गया। विपक्ष की तरफ से पेपर लीक को लेकर उठाए गए सवालों और आरोपों के बीच इस सफल मानी जा रही भर्ती परीक्षा से अब विभाग का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना तय है और कॉन्फिडेंस नौजवानों का भी बूस्ट होना तय है जो नौकरी की उम्मीद में सालों साल तैयारी करते हैं। भर्तियां ट्रांसपेरेंट हो, सही कैंडिडेट को जॉब मिले और सही समय से पूरी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मां बहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।